बहुत ही सुंदर वातावरण यहां पर। आसमान में अभी भी घना कोहरा छाया हुआ, सुबह नमी भी ज्यादा थी, ओस था इस मैदान पर, ओस गिरी थी। प्रारंभिक जोड़ी हल्के हल्के कदमों के साथ मैदान की तरफ आती हुई जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए डीजे। भरत कड़ावाला, राहुल पानवाला, अंपायर हितेश पटेल मुख्य अंपायर के रूप में, और स्क्वायर लेग पर अंपायर परेश पटेल। गेंदबाजी करने के लिए तैयार कप्तान स्वयं शुभम गोयल। अंपायर का इशारा यहां पर, राहुल पानवाला गोयल की गेंद को कट करने का प्रयास किया था, काफी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी शुभम गोयल की। और पहला रन यहां पर चुरा लिया। पहला ओवर चल रहा है यहां पर शुभम गोयल सामने वाले छोर से। भरत कड़ावला ने गेंद को दिशा जरूर दिखाई थी, हवा में गेंद थी, किस्मत वाले रहे कि फील्डर से थोड़ी दूर। खाता खोला भरत कड़ावला ने, 1 रन पर भरत और टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बार हवा में खेला है, फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं की, करारा झटका लगा यहां पर राहुल पानवाला के रूप में, पहला विकेट का पतन। ખેલાડી અને દર્શકોને આમંત્રિત કરીએ છીએ, નાસ્તાનું કાઉન્ટર ચાલુ થઈ ગયું છે। સૂર્યા ને સહી સન્માન દેતે હુએ કેન કો હલકે સે પુશ કિયા, કોઈ રન નહીં। ફિલ્ડિંગ કા મુઆયના કરતે હુએ સૂર્યા તૈયાર સામના કરને કે લિયે ગોયલ કી અગલી ગેંદ કા। और इस बार हल्की सी दिशा दिखाई पॉइंट क्षेत्र में, रन के लिए भाग पड़े, रन आउट होने का खतरा हो सकता था। ओवर थ्रो हुआ और दूसरा रन भी चुरा लिया यहां पर दोनों बैट्समैन ने। बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय तर्ज पर हमारी स्कोरिंग की टीम यहां पर नजर आ रही है, एक एक कीर्तिमान यहां पर देखने को अगर चाहिए तो मिल सकता है हमारे स्कोरर के पास।
दीप कड़थिया मुस्कुराते हुए, संजय सांगाणी अपने स्पीडोमीटर को चेक करते हुए, सचिन भोसले पंकज पाटिल जी यहां से वहां पर भागते हुए, और इस बार गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट पर, 1 रन लेकर सामने वाले छोर पर। लेजर लायंस के लिए ये मैच जीतना ही पड़ेगा अगर उनको सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो, करो या मरो वाली स्थिति यहां पर। और इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद ऊंची उठी थी, कट करने का प्रयास किया था बैट्समैन ने। और इस बार केवल दिशा दिखाई, पॉइंट और कवर के बीच में 1 रन भागकर पूरा किया, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते। और इस बार गेंद गेंद की लाइन में नहीं आए थे, खड़े खड़े खेलने का प्रयास भरत कडावला का। शुभम गोयल अपना दूसरा ओवर लेकर, और इस बार खड़े खड़े छेड़खानी करने का प्रयास, गेंद की लाइन में नहीं आए थे बैट्समैन, बहुत ही बढ़िया गेंद। संजय सांगाणी बता रहे थे कि पिछली गेंद 139 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गई थी। और इस बार स्क्वायर लेग पर अंपायर के पास गेंद को फील्ड किया गया, तब तक 1 रन। और इस बार ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में खेल दिया, 1 रन के लिए भाग पड़े सामने वाले छोर पर भरत कडावला। सूर्या यादव खेल रहे हैं 4 पर, भरत खेल रहे हैं 3 पर, सिद्ध खड़े हैं शॉर्ट फाइन लेग पर, और ये साफ बोल्ड यहां पर करारा झटका लगा, लेसर लायंस का दूसरा विकेट का पतन, शुभम गोयल को मिलने वाली दूसरी सफलता। किरीट सिंह जी देख रहे कि स्टंप कहीं टूट तो नहीं गया, क्योंकि काफी तेज गेंद करते हैं शुभम गोयल।
नए बैट्समैन के रूप में पहुंचे हैं सागर। નાસ્તાનું કાઉન્ટર શરૂ થઈ ગયું છે, તો આમંત્રિત મહેમાનો અને ખેલાડીઓ નાસ્તાના કાઉન્ટર તરફ જઈ શકે છે। और इस बार लिक्स्ट्रॉम के बाहर वाइड ने भी अपना खाता खोला, स्कोर पहुंचा 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार गेंद को खेल दिया कवर क्षेत्र में, 1 रन लेकर सामने वाले छोर पर खाता खोला सागर ने। और ये बीमर गेंद नो बॉल का इशारा अंपायर का। काफी लंबे कद के खिलाड़ी है शुभम गोयल, जोएल गार्नर की याद दिलाते हुए। अच्छी गेंद, कामयाब ओवर की समाप्ति। शुभम गोयल 2 ओवर 9 रन और 2 विकेट। सचिन भोसले एक बार फिर अपना कोटे का दूसरा ओवर लेकर और इनिंग्स का चौथा। एयरपोर्ट छोर से, और इस बार सागर ने हल्के से गेंद को कट किया था, रन लेने का प्रयास वहां पर हा ना करते हुए 1 रन जरूर चुराया दोनों ने, वरना रन आउट होने का खतरा हो सकता था यहां पर। इस बार दिशा से भटकते हुए लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। और इस बार उठा दिया डीप मिड ऑन के ऊपर से, अंपायर का इशारा 4 रन का। और इस बार कट करने का प्रयास किया था, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, लेकिन 1 रन के लिए भाग पड़े दोनों बैट्समैन। जोरदार अपील विकेट कीपर के जरिए, बॉलर का कोई सहयोग नहीं, अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। और इस बार बैक फुट पर जाकर पंच किया था गेंद को, गेंद जा रही कवर बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए।
सागर के खड़े खड़े कट करना चाहते थे। अच्छी गेंद सचिन भोसले की, चार ओवर की समाप्ति पर लेजर लायंस 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2-2 for 2। गेंदबाजी में परिवर्तन, जिमित शाह को लाया गया है एयरपोर्ट छोर से। सामना करेंगे भरत कड़ावला, बाएं हाथ के बैट्समैन भरत कड़ावला। इस बार लेफ्टम पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, वाइड का इशारा अंपायर का। और आजकल एक फैशन हो चुकी है कि जैसे वाइड गिरती अपील जरूर करते हैं फील्डर। और इस बार मिडॉन के ऊपर से उठाकर खेल दिया है, गेंद जा रही सीमा रेखा की तरफ, कोई मौका नहीं दोनों फील्डर के लिए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और इस बार ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ खेल दिया, डीप में फील्डर मौजूद। कहते हैं कि पूरे दुनिया में बारिश में बर्फ गिरती है, यहां थोड़ी देर में भी बर्फ गिरेगी। जिमित शाह और इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के से पुश किया ऑफ साइड में 1 रन। और इस बार ऑन साइड में खेला था, बहुत ही बढ़िया प्रयास, वहां पर लपक नहीं पाए कैच को। आउटफील्ड थोड़ा नमी की वजह से गीला है, गिर पड़े थे वहां पर फील्डर, वरना बढ़िया कैच हो सकता था। इस बार फुल लेंथ डिलीवरी, बढ़िया गेंद, बीट किया था इस गेंद पर। हल्के से पुश किया, 1 रन के लिए भाग पड़े बैट्समैन। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर के बाद ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के तरफ जाएगी। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज उत्कर्ष केवड़िया। और इस बार कवर के ऊपर से उठाकर खेल दिया है, कोई मौका नहीं पीयूष भाई केवड़िया के लिए, बहुत ही बढ़िया चौका।
और इस बार ऑन साइड में बिल्कुल कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते शुभम गोयल, तब तक 1 रन लेकर सामने वाले छोर पर। बहुत ही सुंदर आयोजन यूनिक जेम्स परिवार का, यूनिक प्रीमियर लीग 2023। और इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद की ऑफ साइड में, गोयल गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक 1 रन। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, दर्शकों से निवेदन है कृपया कचरा डस्टबिन में ही फेंके। और इस बार हवा में जरूर है गेंद, प्रवीण भोसले सचिन भोसले एक बार फिर फिसल पड़े। आज 2 बार ये खिलाड़ी के साथ वाकया हुआ है, क्योंकि सुबह जो ओस गिरी थी उसकी वजह से अभी भी मैदान हल्का सा गीला है। और ये सेफ खिलाड़ी है सचिन भोसले। और इस बार खेल दिया है ऑफ साइड में, गेंद को फील्ड करके थ्रो करते रन आउट होने का खतरा हो सकता था। तो 6 ओवर इन प्रोग्रेस, 41 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, लेजर लायंस। और इस बार गेंद को खेल दिया है डीप फाइन लेग पर, मिस फील्डिंग हल्की सी, लेकिन 1 रन से संतुष्ट बैट्समैन। छह ओवर की समाप्ति पर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर जाएगी। इस ओवर के बाद जिमीत अपना दूसरा ओवर लेकर एयरपोर्ट छोर से। और इस बार बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद के ऑफ साइड में, 1 रन पूरा किया, लेकिन शुभम गोयल को देखा, वापिस कदम खींचे क्रीज में। और इस बार गेंद को कट किया, वहां पर फील्डर मौजूद जरूर थे, लेकिन सिद्ध भाग रहे गेंद के पीछे, गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक 1 रन लेकर सामने वाले छोर पर। कड़ावाला ने इस बार गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में, पीयूष भाई केवड़िया सफाई के साथ गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक 1 रन लेकर सामने वाले छोर पर। और इस बार 1 रन के लिए भाग पड़े, बहुत ही तेज
दौड़ लगानी पड़ी विकेट के बीच में, काफी नजदीक का मामला हो सकता था। सरीन स्ट्राइकर्स की टीम अल्पाहार का आनंद लेती हुई नजर आ रही है हमारे कैमरे में। ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर, 7 ओवर की समाप्ति पर 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पर सागर खेल रहे हैं 18 पर, भरत कडावला खेल रहे हैं 18 पर। जिमित शाह बॉलिंग एनालिसिस, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 13 रन और कोई विकेट नहीं। और इस पर बहुत ही अच्छी गेंद, गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद नीचे भी रही थी थोड़ी। और इस बार पीयूष भाई के सर के ऊपर से उठकर गेंद जाते हुए, टप्पा खाने के बाद ऊंची उठी थी ये गेंद। और इस बार लेग्सम के बाहर खेलने का प्रयास किया था। अच्छी गेंद उत्कर्ष के बढ़िया की, भरत कड़ावला खेल रहे हैं 22 पर।
और इस बार ब्लॉक होल में डाली थी गेंद, अंदरूनी हिस्से में लगी, 1 रन भागकर पूरा किया बैट्समैन सागर ने। So after 8 overs, 53 runs for the loss of 2 wickets. Laser Lions, Sagar playing with 20 in 17 deliveries. Bharat Kadavla playing with 23 in 21 deliveries. Utkarsh Kevadia, 2 over, no maiden. He conceded 18 runs and no wicket. गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज पीयूष भाई केवड़िया। और इस बार आगे आकर गेंद को खेल दिया, ऑन साइड में मिड ऑन पर गेंद को फील्ड किया, रन आउट होने का खतरा हो सकता था लेकिन गेंद हाथ में ठीक तरह से नहीं आई, थ्रो नहीं कर पाए फील्डर। और यहां पर पीयूष भाई केवड़िया ने पहला विकेट अपने के लिए आज के दिन का लिया है, भरत कड़ावला के रूप में करारा झटका। सामान न रखता, नए बैट्समैन के रूप में पहुंचे हैं कप्तान स्वयं सुनील कालघुड़े। और पहली गेंद पर कट कर दिया, बहुत ही सुंदर कट शॉट, 1 रन भागकर पूरा किया, रन आउट होने का खतरा हो सकता था। किरीट सिंह जी बिल्कुल विकेट से चिपके हुए। यहां पर सागर के रूप में करारा झटका, पीयूष भाई नामक खतरनाक गेंदबाज आज मैदान पर 2 विकेट ले चुके हैं अब तक केवल 2 रन खर्च करके। दोनों बैट्समैन को वापस पवेलियन भेजा, 23 रन बनाकर कडावला और 21 रन बनाकर भरत। नए बैट्समैन निकुंज तेजाड़ी ने कट करने का प्रयास किया था, विकेट कीपर किरीट सिंह जी ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। पहला ओवर चल रहा है पीयूष भाई केवड़िया का अपना, और इस बार स्टीयर किया था गेंद को, सिद्ध केवड़िया ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन। 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर, कामयाब ओवर की समाप्ति पीयूष भाई केवड़िया के। 1 ओवर
तीन रन और दो विकेट, यह है बॉलिंग एनालिसिस पीयूष भाई केवड़िया का। डीएम यहां पर आते हुए अपने साथी खिलाड़ियों के साथ विमल डायनी भी नजर आ रहे थे। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, दर्शकों ने निवेदन छे कि ज्यां त्यां कचरो न फेंकता, कचरा पेटी में कचरा ने फेंकसो, अने तमारो कीमती सामान गाड़ी नी डिक्की में के गाड़ी नी अंदर न राखवा विनंती छे। और इस बार हवा में उठाकर खेला है, गोयल मौजूद, जगलिंग करते हुए कैच पकड़ा यहां पर निकुंज भाई तेजन। पॉइंट बाउंड्री की तरफ कवर से गए फील्डर, किनको फील्ड करके थ्रो करते, तब तक एक रन खाता खोला अपना एक रन से। जाडेजा सर का स्ट्राइक रेट 100। और इस बार उठाकर खेला है गेंद जा रही सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। अंपायर का इशारा 6 रन का। आज का पहला छक्का यहां पर सांगाणी बता रहे थे लेंथ मीटर में चेक करके 71 मीटर लंबा छक्का लगाया था। के बाहर अंपायर का इशारा 4 रन का। दस ओवर की समाप्ति पर 69 रन, 6.90 प्रति ओवर रन बनाने की रन गति। और इस बार फुलटॉस गेंद को कलाई के सहारे मोड़ दिया था, गेंद जा रही डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन।
जाडेजा सर पहुंचे 3 पर 3 गेंदों में 3 रन, 100 का स्ट्राइक रेट अभी भी बरकरार। पीयूष भाई केवड़िया का सामना करेंगे सुनील कालगुड़े। इस बार हाफ वॉली पर उठाकर खेला था गेंद को, मिड विकेट पर 1 रन। और इस पर लेग स्टंप के बाहर पेडलिंग करने का प्रयास, किस्मत वाले रहे, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, कोई रन नहीं। वाइड का इशारा अंपायर का, लांस क्लूजनर की तरह पेडलिंग करने का प्रयास किया था। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, रनआउट होने का खतरा जरूर हो सकता था, लेकिन जाडेजा सर सही सलामत पहुंच चुके थे नॉन स्ट्राइक लाइन पर। बाई का इशारा अंपायर का।
और यहां पर जाडेजा सर आउट होकर वापस पवेलियन में। शुभम गोयल को मिलने वाली तीसरी सफलता। पीयूष पारेख मैक्सवेल आए हैं मैदान पर। पूरा दारोमदार इस जोड़ी के कंधों पर। गोयल दाएं हाथ से राउंड द विकेट, इस बार लेग स्टंप के टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली। वाइड का इशारा अंपायर का। अच्छी गेंद, कोई रन नहीं। विकेट कीपर किरिट सिंह जी ने गेंद को कैदर किया। स्कोर अभी भी 89 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 12वां ओवर चल रहा है। और ये मैक्सवेल के बल्ले से निकला हुआ पहला छक्का और इस टूर्नामेंट का 50वां छक्का। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके हैं। सांगाड़ी बता रहे थे कि पिछला छक्का 83 मीटर लंबा लगाया था मैक्सवेल ने। सचिन भोसले दाएं हाथ से ओवर द विकेट। और एक सिक्सर सुनील कालघुड़े। और यहां पर करारा झटका, सुनील कालगुड़े आउट होकर वापस पवेलियन में।
गेंदों में 33 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे थे सुनील कालगुड़े। नए बैट्समैन पहुंचे मैदान पर, महाराज केशव महाराज के चचेरे भाई। और यहां पर मैक्सवेल बिल्कुल आक्रामक रुख अपनाए हुए खेल रहे हैं, लगातार सिक्सर की बारिश करते हुए अब तक 3 छक्के लगा चुके हैं 4 गेंदों में। और यहां पर करारा झटका लगा ले सर लायंस को। मैक्सवेल आउट। और यहां पर रनआउट होने का खतरा, और यहां पर बाल बाल बचे बैट्समैन। अंपायर 2 मिनिट माटे जरा उभी रखो प्लीज। सैटेलाइट लिंक टूट गई है यहां पर, एक बार थोड़ी देर में जुड़ जाएगी। और जुड़ गई सैटेलाइट लिंक, मैच शुरू हो चुका है। पीयूष भाई केवड़िया इनिंग्स का आखिरी और अपना 3रा ओवर लेकर दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार कट करने का प्रयास किया था अंकित देसाई ने, नाकामयाब, कोई रन नहीं। एक बार फिर खड़े खड़े खेलने का प्रयास, विकेट कीपर को छकाती हुई गेंद निकली थी, 1 रन का इजाफा स्कोर में। अंपायर का इशारे का इंतजार बल्ले से लगी थी शायद, बाई का इशारा। हमारे पास एक विशेष सूचना है, जो टॉप 4 टीम रहेगी वही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगी। और इस बार आगे आकर खेला है गेंद को, फील्डर के हाथ में गेंद जरूर आई थी, वहां पर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते सीधा थ्रो स्टंप के ऊपर, और ये आउट।
121 रन 9 विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का आखिरी गेंद लेकर पीयूष भाई केवड़िया पवेलियन छोर से, दाहिने से ओवर द विकेट। और इस बार कोरा प्रॉपर ने खेलने का प्रयास किया था, विकेट कीपर ने गेंद को कैदर किया, रन आउट होने का खतरा है। यहां पर अंपायर से टकराए, ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 121 रन 9 विकेट के नुकसान पर। पीयूष भाई केवड़िया 3 ओवर 25 रन और 2 विकेट। अंकित देसाई नॉट आउट रहे 2 रन बनाकर, निकेश कोपरना नॉट आउट रहे बिना कोई रन बनाए, 122 रन का लक्ष्य दिया है। आगे का खेल शुरू हो, तब तक के लिए मैं रमेश पटेल आकाशवाणी स्टूडियो भैसाण वाया पाल लिए चलता हूं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
मैवरिक्स की मैदान पर पहुंच चुकी है पीयूष भाई केवड़िया और किरीट सिंह जी। पीयूष भाई केवड़िया फील्डिंग का मुआयना किया तैयार सामना करने के लिए पहली गेंद का आज का पहला मैच लेजर लायंस और मुंबई मैवरिक्स के बीच में। 122 रन चाहिए मुंबई मैवरिक्स को ये मैच जीतने के लिए। चिराग गोहिल सामने वाले छोर से और इस बार गेंद को घूम कर मारा है लेकिन फील्डर मौजूद कोई रन नहीं। और इस बार ऑन साइड में खेल दिया है मिड ऑन पर फील्डर मौजूद कोई रन नहीं। चिराग गोहिल एयरपोर्ट छोर से सामना कर रहे हैं बैट्समैन पीयूष भाई केवड़िया। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद मिडिल स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली थी ये गेंद। अंपायर हितेश पटेल और स्क्वायर लेग पर अंपायर अंकुर पटेल परेश पटेल। और इस बार टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ निकली थी एक गेंद गोहिल की। कट करना चाहते थे इरादा बदला पीयूष भाई केवड़िया ने। अच्छी गेंद नपितुली गेंदबाजी करते हुए चिराग गोहिल। केतुल रॉनी और ये बहुत ही बढ़िया कैच यहां पर कीमती विकेट गिरा यहां पर पीयूष भाई केवड़िया के रूप में।
पटेल का चौकड़ी मैदान की तरफ से पवेलियन की तरफ आती हुई डीएम होल्डर के और साथ में वीडी और पीछे हिरेन सुतरिया। और इस बार ऑन साइड में खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, डीप में एक रन भागकर पूरा किया। और इस बार बॉलर के ठीक पास से खेलिए, हल्की सी चोट लगी है मेरे ख्याल से, बॉलर को गिर पड़े थे वहां पर। सागर के ओवर की समाप्ति, एक ओवर में 6 रन खर्च किए सागर ने, 2 ओवर की समाप्ति पर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 72 गेंदों में 116 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट 9.67। बहुत ही अच्छी गेंद, और इस बार डीप मिडॉन के ऊपर से उठे, फील्डर मौजूद और ये आउट, कीमती विकेट का पतन। અહીંયા હાજર ઉપસ્થિત દરેક ટીમોને એક જે લેટેસ્ટ અપડેટ છે તે કહેવામાં આવે છે કે જે પહેલી 4 ટીમો જે હશે મેચ જીતવામાં તે લોકો સેમીફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે, ગ્રુપ વાઇઝ નહીં થાય, એ ધ્યાનમાં લેવા વિનંતી। गोहिल की एक गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर आकर खेल लिया डीप, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद 4 रन के लिए। ने अपना खाता खोला 4 रन से और टीम का स्कोर 2 अंकों में पहुंचा, 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वाघेला सर खेल रहे हैं 5 पर नॉन स्ट्राइक रन पर। और इस बार हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास किया था, गेंद जा रही लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, बहुत ही बढ़िया कारपेट के सहारे गई ये गेंद। इमरजेंसी 108 आज नए रंग और रूप में, गैलेक्सी ग्लेडिएटर्स और एडमिन वॉरियर्स के कप्तान से निवेदन है कि
कि टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के पास पहुंचे। गैलेक्सी ग्लेडिएटर्स एडमिन वॉरियर्स वाइड का इशारा अंपायर का, और इस बार स्टंप के बाहर घूम कर मारने का प्रयास किया था जिमित शाह ने। और यहां पर रन लेना चाहते थे लेकिन झपटते हुए देखा सर को, वापिस कदम खींचे क्रीज में। चौथा ओवर चल रहा है, 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लेग बाई का इशारा अंपायर का, स्कोर पहुंचा 18 रन 18 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। यूनिक जेम्स परिवार द्वारा आयोजित यूनिक प्रीमियर लीग, और इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए, कोई मौका नहीं। बहुत ही बढ़िया चौका किरीट सिंह जी। और यहां पर कैच छूटा, कवर पर अच्छा कट करने का प्रयास किया था, किस्मत वाले रहे बैट्समैन। और इस बार कवर के ऊपर से उठाकर खेल दिया है लेकिन वहां पर फील्डर को चकाती हुई गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए।
स्कोर पहुंचे आगे बढ़ता हुआ 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पांचवा ओवर चल रहा है। सुनील कालगुड़े की ये गेंद को पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेल दिया है 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया कट। वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 32 रन। सुनील कालगुड़े और ये साफ बोल्ड यहां पर जिमित शाह के रूप में करारा झटका। तीसरा विकेट का पतन। का सामना किया और अभी 17 रन बनाकर वापस पवेलियन में नए बैट्समैन के रूप में पहुंचे हैं ऋषभ। आज का दूसरा लीग मैच यहां पर होगा गैलेक्सी ग्लेडिएटर्स और एडमिन वॉरियर्स के बीच में। दोनों टीम के कप्तान और साथ में श्री महेंद्र सिंह जी वाघेला। कैमरामैन भी बिल्कुल साथ में तैयार। कॉल कौन करेगा? एडमिन वॉरियर्स के हिरेन सुतरिया। किंग निमेश, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे बैटिंग और कितना लक्ष्य देना चाहोगे आप इस विकेट पर? 140 150 140 150। वाकई आपके ऊपर भरोसा भी है, कल आपने शतक जड़ा था, वही जज्बा आज भी मौजूद है। मौजूद है। चलो ऑल द बेस्ट। और हिरेन, कल आपने देखा होगा कितना बढ़िया बल्लेबाजी किया था निमेश ने। 126 रन बनाए थे, 16 चौके और 6 छक्के। आप 16 छक्के थे। यस, देखो हम यहाँ झूठे हो सकते थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी कल। तो आपको क्या लगता है, आप उनको कहाँ तक रोकना चाहोगे आज? 10 से 20 रन तक। 110 से 120, तो ठीक है। मैं बोला 10 और 20 तो काफी दूर का मामला हो सकता था। ऑल द बेस्ट दोनों टीम के लिए और थैंक यू सर। और एक बार फिर आपको बता दूं कि जो टॉप 4 टीम होगी वही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगी। और हमारी दाई और जितने भी दिख रहे हैं वो हमारी पूरी स्कोरिंग टीम है, जो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको।
सांगाणी स्पीडोमीटर के साथ बैठे हुए, एडमिन और गैलेक्सी के प्लेयर से निवेदन है कि पवेलियन में पहुंचे फोटो सेशन के लिए भी। और इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेल दिया था। ऑन साइड में किरीट सिंह जी वाघेला पहुंचे 11 पर और टीम का स्कोर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर चल रहा है। और इस बार इटालिया ने हवा में उठाकर खेलने का प्रयास किया था। गेंद गई वाइडिस मिनोर क्षेत्र में, एक रन जरूर पूरा किया ऋषभ इटालिया ने। 6 ओवर की समाप्ति पर 36 रन। इस ओवर के बाद ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर जाएगी। और इस बार इटालिया ने कवर पॉइंट पर खेल दिया, एक रन भागकर पूरा किया। माफ कीजिएगा, किरीट सिंह जी ने ये रन दौड़ के पूरा किया था, लिया था तो ऋषभ इटालिया ने। उनके पूर्वज इटाली से भारत में आए थे। और इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन प्रोटेक्शन लॉन्ग ऑन पर केवल एक रन मिलेगा किरीट सिंह जी को। ड्रिंक्स की ट्रॉली इस ओवर के बाद पहुंचेगी मैदान पर। और इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड में, सफाई के साथ गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, तब तक एक रन लेकर सामने वाले छोर पर इटालिया। और किरीट सिंह जी माफ कीजिएगा, इस बार हवा में है गेंद, फील्डर काफी दूर, कोई मौका नहीं वहां पर। अच्छा प्रयास, लेकिन यहां पर एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया किरीट सिंह जी ने। चौदह पर पहुंचे किरीट सिंह जी वाघेला। पीयूष पटेल माफ कीजिएगा, पीयूष पारेख। और इस बार ऑन साइड में खेल दिया, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, एक रन जरूर पूरा किया यहां पर बैट्समैन ने। वाघेला सर पहुंचे 15 पर, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक लगाते हैं। मैक्सवेल की एक गेंद को हवा में जरूर खेला है, लेकिन सेफ लैंडिंग, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए।
लोकेश महाराज अपना दूसरा ओवर लेकर केशव महाराज के चचेरे भाई केशव महाराज साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं। तो केशव महाराज यहां पर लेजर लायंस की तरफ से खेलते हैं। और इस बार बॉलर के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, अच्छा प्रयास फील्डिंग करने का, एक रन चुरा लिया बैट्समैन ने। किरीट सिंह जी एक रन लेकर सामने वाले छोर पर, 16 पर पहुंचे किरीट सिंह जी वाघेला। महाराज की गेंद को हाफ वॉली पर लेकर खेल दिया था ऑन साइड में और वहां पर मिस फील्डिंग, लेकिन बैकअप कर रहे थे डीप मिडॉन के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, 2 रन। और इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर इटालिया की, जैसे ही थोड़ी सी ओवर पिच गेंद मिली मौका टाला, गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। और इसी के साथ मुंबई मैवरिक्स के 50 रन पूरे मुंबई मैवरिक्स के।
स्कोर पहुंचा 72 रन। अगली गेंद निकुंज भाई तेजाणी की, ये गेंद और साफ बोल्ड यहां पर, वाघेला सर को साफ बोल्ड कर दिया, 24 रन बनाकर वापस पवेलियन में। 20 गेंदों का सामना, आउट यहां पर शुभम गोयल के रूप में। नए बैट्समैन के रूप में उत्कर्ष केवड़िया सामना करेंगे निकुंज तेजाणी की अगली गेंद का। हैट्रिक की कगार पर, 2 गेंदों में 2 विकेट ले चुके हैं और ये ब्लॉक होल में डाली थी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी निकुंज भाई तेजाणी की। आज वेनिला गांठिया खाने के बाद काफी उत्साहित, भावनगर में वनेला गांठिया मळे पण पढ़े लिखे लोग उनको वेनिला गांठिया बोलते हैं। और इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर परेश पटेल का, काफी लंबे कद के अंपायर और स्क्वायर लेग पर अंपायर हितेश पटेल। इस बार कलाई के सारे मोड़ दिया था गेंद को, ऑन साइड में 1 रन भाकर पूरा किया, दूसरे लेना चाहते थे, रन आउट होने का खतरा यहां पर। किस्मत वाले रहे बैट्समैन, दोनों के बीच में आपसी तालमेल का अभाव। सो टोटल मूव्स ऑन 75 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 10th ओवर इन प्रोग्रेस। निकुंज तेजाणी फ्रॉम द पवेलियन एंड, दिस टाइम डिवन ऑन द अप, नो चांस फॉर एनी फील्डर, बॉल गोज टू लॉन्ग ऑन बाउंड्री फॉर 4। सो टोटल मूव्स ऑन 79 आफ्टर 10 ओवर्स। Four deliveries to go, required run at 10.75, so 5 wickets in hand, Mumbai Mavericks. So 5 men on the offside, 4 men on the onside. Sunil Kalgude from the pavilion and his second over. Rishabh Italia playing with 25 in 17 deliveries. He is facing Sunil Kalgude. Oh, it's cut behind. The 6th wicket is gone. Rishabh Italia. Got Panwala, bold Sunil Kalgude.
नए बैट्समैन के रूप में पहुंचे हैं मीत रादड़िया। बहुत ही तेज गेंद यहां पर सुनील कालगुड़े की। सांगाणी बता रहे थे कि 136 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की थी ये गेंद। निकुंज भाई तेजाणी हर्षवर्धन करते हुए यहां पर उत्साह बढ़ाते हुए सुनील कालघुड़े का। उन्होंने पिछली ओवर में 2 विकेट चटकाए थे। अगली गेंद और इस बार गेंद को हवा में जरूर खेला है, लेकिन निकुंज भाई तेजाणी गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन। मीत रादड़िया पहुंचे 2 पर। इस बार ब्लॉक होल में डाला था गेंद को, ऑन साइड में खेल दिया, 1 रन पूरा किया। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, रन आउट होने का खतरा जरूर हो सकता था, लेकिन काफी तेज दौड़ लगाते विकेट के बीच में दोनों बैट्समैन उत्कर्ष केवड़िया और मीत रादड़िया। ओवर की समाप्ति, सुनील कालगुड़े 2 ओवर 14 रन और 2 विकेट, पंकज पाटिल जी 6 ओवर 15 रन और 3 विकेट। उनका अकोला का ये रिकॉर्ड यहां पर दिख रहा था। सो आफ्टर 11 ओवर्स, 84 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। उत्कर्ष प्लेइंग विथ 9 in 6 deliveries, मीत रादड़िया प्लेइंग विथ 2 in 2 deliveries। निकुंज तेजाणी एक बार फिर पवेलियन छोर से सामना कर रहे हैं मीत रादड़िया। 18 गेंदों में 38 रन चाहिए मुंबई मैवरिक्स को। आसमान से बर्फ गिरा था, हमारे दो सपोर्टर्स यहां से चार चार पीस लेकर जाते हुए। अगली गेंद और इस बार गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग पर, प्रोटेक्शन, केवल 1 रन मिलेगा यहां पर मीत रादड़िया को। घणु सुंदर आयोजन छे यहां, यहां यूनिक जेम्स परिवार नो यूनिक प्रीमियर लीग। ओ भी बहुत ही बढ़िया मारा, हवा में है, हवा में है, हवा में है, और यहां पर जगलिंग करते हुए कैच छोड़ा है, कैच छोड़ा है। अच्छा प्रयास, अच्छा प्रयास यहां पर। सो टोटल मोशन 87 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। निकुंज भाई ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया था और इस बार हाफ वॉली पर लेकर खेल लिया था, ऑन साइड में 1 रन भागकर पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे वहां पर और पूरा भी किया दोनों बैट्समैन ने। बहुत ही अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल। उत्कर्ष नावड़िया पहुंचे 13 पर। हमारे कैमरामैन यहां पर आते हुए और इस बार गेंद को खेल दिया कवर क्षेत्र में, वहां पर पॉइंट के फील्डर आए, गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन। चिराग गोहिल ने गेंद को फील्ड किया था और पानवाला आज बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग करते हुए। राहुल चूना लगाकर
और इस बार बढ़िया लॉफ्टेड ड्राइव लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। और यहां पर हमारे सांगानी और पान वाला को शायद लाया गया है यहां पर। सुनील गेंदबाजी करते हुए अब तक स्कोर हो चुका है 96 रन 6 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति पर। 12 गेंदों में 26 रन। कृषि यहां पर काफी छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन हौसले बुलंद। सुबह 5 बजे उठकर वर्जिश करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। और इस बार हवा में जरूर खेला है लेकिन सेफ लैंडिंग। मैक्सवेल काफी दूर, गेंद को फील्ड करके थ्रो कर दे, तब तक 2 रन पूरे कर चुके थे बैट्समैन। कालगुड़े थोड़े मायूस जरूर। बाहुबली नजर आते हुए यहां पर और क्रिस्यू अपने कैमरे में कैद करते हुए एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी भागकर पूरा किया। बहुत ही अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। ओवर थ्रो हुआ था, तीसरा रन भी लेना चाहते थे वहां पर बैट्समैन। आपने देखा होगा कि जॉन्टी रॉड्स और हर्षल गिब्स वो ज्यादा से ज्यादा रन दौड़ के लेते थे। और इसी के साथ 100 रन पूरे मुंबई मैवरिक्स के। दस गेंदों में 22 रन चाहिए था, अब 9 गेंदों में 22 रन। सुनील गालगुड़े पवेलियन छोर से गेंदबाजी करते हुए सामना कर रहे हैं उत्कर्ष के। बढ़िया 18 पर 12 गेंदों में 9 गेंदों में 22 रन बनाने। अभी 8 गेंदों में 22 रन। काफी रोमांचक परिस्थिति में मैच जाता हुआ पहली बार मुंबई मैवरिक्स को दबाव में खेलते हुए देख रहे हैं हम यहां पर। कालगुड़े की अगली गेंद और ये देखिए नो बॉल का इशारा अंपायर का। फ्री हिट यहां पर उत्कर्ष केवड़िया फ्री हिट के लिए तैयार। स्कोर 101 रन। और ये बोल लेकिन यहां पर फ्री हिट थी, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन पूरा किया उत्कर्ष केवड़िया ने। मीत रादड़िया खेल रहे हैं 9 पर। प्रदीप यहां पर बढ़िया बैनर लगवाने की कोशिश करते हुए आगे जा रहे हैं प्रदीप। और इस पर लंबा छक्का होना चाहिए,
मीत रादड़िया के बल्ले से निकला हुआ 104 मीटर लंबा छक्का। ने लंबा छक्का 104 मीटर लंबा छक्का। शुभम गोयल बल्ला देकर गए हैं, हैवी बल्ला दिया यहां पर उत्कर्ष के वड़िया को। 4.5 पाउंड का बल्ला है ये, और मीत रादड़िया के पास 5.25 रतल का बल्ला। और आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं पवेलियन छोर से लोकेश महाराज। देखना होगा कि कितने रन देते इस ओवर में। दाया से राउंड द विकेट, कलाई के सारे खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद गई ऑफ साइड में, मिड अपर गेंद को फिल करके थ्रो करते, 1 रन पूरा किया। अब 13 रन चाहिए 5 गेंदों में। सटासटी फटाफटी का खेल है। और इस बार रादड़िया एकदम बाहर निकलकर आगे आए थे, गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया छक्का। में मैच पहुंच चुका है, 3 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 6 रन। दाएं हाथ से राउंड द विकेट, और इस बार कट किया है गेंद को, हमारे कैमरामैन वहां पर बैठे हुए, उनको पार करती हुई गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, बहुत ही बढ़िया चौका। ये देखिए कैसा चौका मारा। भी हो सकता है यहां पर उत्कर्ष केवड़िया 17 गेंदों में 24 रन, निस्व अभी प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं मैदान के बाहर। और यहां पर 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भाग पड़े गेंद सीमा रेखा के बाहर। मुंबई मैवरिक्स ने 1 गेंद रहते हुए मैच जीत लिया है 4 विकेट से।